A very good morning. Myself, Dr. Vamsa, Assistant Professor, Mahila College, Dharminagar, Rohtas. आज का टॉपिक है फूड ग्रुप्स, जो कि BA Honors Part 1 Home Science की छात्राओं के लिए है. पेपर 1 ग्रुप में फूड एंड न्यूट्रिशन. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है फूड ग्रुप्स. फूड ग्रुप्स के पहले हम कुछ डिफाइन करेंगे कि फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, क्यों हमारे लिए जरूरी है नॉलेज फूड एंड न्यूट्रिशन का. व्हाई द नॉलेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट. एंड दिस स्लाइड शोज दैट इज न्यूट्रिशन इज रिलेटेड टू फूड एंड डिजीज. क्या न्यूट्रिशन डिजीज से, हमारे हेल्थ से कुछ रिलेशन रखता है? अगर रखता है तो क्या रखता है? न्यूट्रिशन से हमें कोई डिजीज होता है कि नहीं? अगर होता है तो कैसा होता है? अगर लैक ऑफ न्यूट्रिशन होता है तो कौन कौन सी बीमारियां होती है? अगर ज्यादा होता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? अगर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? ये सब कुछ हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन में ही पढ़ते हैं. अगर lack of nutrient होता है तो हमें under nutrition हो जाता है, या अगर lack of किसी element का हो जाता है, अगर iron है, जैसे कहते हैं anemia हो गया है इसको, तो क्या होता है, iron की उनमें कमी हो जाती है. या हमारे हमें क्या होता है, excess nutrient हमें खा लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है, जिसको कि over nutrition कहते हैं. और मोटापे से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि diabetes, CVD, heart disease. And there are so many other diseases are also interrelated with the excess of nutrients. Okay, so एक study में देखे पाया गया था कि 95% of the total chronic disease is caused by chronic diseases, मतलब diabetes, CVD, heart diseases, ये सारी diseases को कहते हैं. तो वो किसके कारण होता है? फूड चॉइसेस. अगर हम लोग का फूड ईटिंग हैबिट अगर करेक्ट नहीं है, अगर हमारा हैबिट क्या है, फॉल्टी है, मतलब ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, ठीक है, या एनर्जी डेंस फूड खाते हैं, या टॉक्सिक फूड इंग्रेडिएंट्स, हम लोग ऐसा कोई फूड खाते हैं जिसमें कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, या कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो, हम विटामिन B12 की हो, जिंक की हो, या फोलिक एसिड की हो, या अगर हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हम लोग को क्रॉनिक डिजीजेस हो जाता है. मतलब 95% जो पेशेंट को क्रॉनिक डिजीजेस होता है वो बेसिकली फूड का चार कारण है. फूड चॉइसेस दैट मींस क्वालिटी ईटिंग हैबिट्स या क्वालिटी पिकिंग अप ऑफ फूड्स, मतलब फॉल्टी पिकिंग अप ऑफ फूड्स मींस कि ऐसा फूड हम लोग करते हैं जो कि एनर्जी डेंस हो, ठीक है, फास्ट फूड हो. सेकंड, टॉक्सिक फूड इंग्रेडिएंट्स. तीसरा, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज. एंड चौथा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. सो ऑब्जेक्टिव आज के लेक्चर का है फूड ग्रुप्स. तो फूड ग्रुप्स में आपको पहले पता होना चाहिए कि फूड क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, और फूड को हम लोग कैसे विभाजन करेंगे, क्लासिफाई उसका कैसे करेंगे. फिगर्स में भी ऐसे दिखाया है कि कुछ एक ऐसे बना हुआ है बाइफर्केशन टाइप का, कुछ कुछ एक सीरियल्स है, कहीं पे मिल्क है, कहीं पे फ्रूट है, कहीं पे राइस रोटी है, सीरियल्स है, ये सारे. तो इसको क्या किया है, क्लासिफाई किया गया है ना. तो उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, ये सब हम लोग उसके चैप्टर में पढ़ेंगे. फूड ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन के पहले हमें पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए पता, कि फूड क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, डाइट क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, ये सब हमें क्लियर होना चाहिए. दीज आर द वर्ड्स व्हिच शुड यू ऑल पीपल नो सो दैट यू कैन नो व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, कैसा डाइट हमें खाना चाहिए, बैलेंस डाइट किसको कहते हैं, ये सब आप लोग को पता होना चाहिए. तो
हम लोग एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे. पहला है फूड क्या है. हाँ, फूड क्या है. तो फूड को डिफाइन किया गया है कि इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस वेदर इट इज अ सॉलिड और अ सेमी सॉलिड और अ लिक्विड कंज्यूम्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कंसीडर्ड एज फूड. कैसा भी फूड हो, चाहे वो तरल हो या ठोस आहार हो, जो हमें न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है वह फूड है. फूड हमारा प्लांट के ओरिजिन का भी हो सकता है, एनिमल के ओरिजिन का भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है. बेसिकली हमारे फूड में क्या होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए एंड मिनरल्स होने चाहिए. ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में क्या करता है, न्यूट्रिएंट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, बॉडी बिल्डिंग देता है, प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम सो मेनी डिजीजेस. तो न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर द कंपाउंड इन फूड एसेंशियल टू लाइफ एंड हेल्थ प्रोवाइडिंग अस विद एनर्जी द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ एंड सब्सटेंसेस इज नेसेसरी टू रेगुलेट केमिकल प्रोसेसेस. और बेसिकली 4-6 मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को जरूरत होती है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. और वो 6 न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट, लिक्विड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. अब न्यूट्रिशन क्या है, फूड हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया. तो न्यूट्रिएंट्स की स्टडी को न्यूट्रिशन कहते हैं. मतलब न्यूट्रिएंट का होल मेटाबॉलिज्म कि वो हमारे बॉडी में क्या करता है, उसकी स्टडी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं. कि कैसे हमें हमारे बॉडी को ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में मदद करता है, कैसे हम लोग हमें डिजीज में फाइट करने में मदद करता है, या हम कैसे उनका उसका न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे बॉडी में. जब हम खाते हैं तो किसी भी न्यूट्रिएंट का क्या होता है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर बायोसिंथेसिस होती है, फिर उसका कैटाबॉलिज्म होता है एंड फाइनली एक्सक्रीशन होता है. सो न्यूट्रिशन को ऐसे डिफाइन किया गया है कि न्यूट्रिशन इज द साइंस that interprets the nutrients and other substances in food in relation to maintenance, growth, reproduction, health, disease of an organism. It includes वो सारे processes हैं आपके, intake, absorption, assimilation, biosynthesis, catabolism and excretion. अब diet क्या है? Diet क्या है? तो डाइट है कि एनी काइंड ऑफ फूड दैट अ पर्सन एनिमल और अ कम्युनिटी हैबिटुअली ईट्स इज कंसीडर्ड एज अ डाइट. कुछ भी हम, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो या किसी भी कम्युनिटी का स्पेसिफिक हो, कुछ भी आहार जो खाते हैं वो डाइट है. आजकल बहुत तरह का डाइट भी चला है, जैसे डैश डाइट है, एटकिन डाइट है, कीटो डाइट है, ब्लैंड डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट है, लो प्रोटीन डाइट है. ये बहुत सारा डाइट है कि डाइट में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएशन करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल. वो डाइट थेरेपी के लेक्चर में आपको बताया जाएगा, इसको ज्यादा इलैबोरेट नहीं करते. सो नाउ अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट क्या है? अच्छा सा फिगर बना हुआ है ना, प्लेट है, स्पून है, सारे फूड है, जैसे कि सीरियल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, ऑयल है, चॉकलेट्स भी है, इवन है, सब कुछ है ना, बिस्किट्स है, कुकीज है. तो बैलेंस डाइट है क्या? बैलेंस डाइट में हम लोग सबसे पहले इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे डाइट में 60-70% ऑफ द टोटल कैलोरीज जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए, 10-12% हमें प्रोटीन से मिलने चाहिए, और 20-25% ऑफ द टोटल कैलोरीज इज फ्रॉम द फैट. ये विभाजन एक बैलेंस डाइट का किया जाता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, जो कि वो प्रॉपर लाइफ सस्टेन कर सके. अब बैलेंस डाइट क्या है? जब इसका प्रॉपर प्रोपोर्शन हमारे डाइट में अगर होगा तो उसको बैलेंस डाइट कहेंगे, जिससे हमें एनर्जी मिलती है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर
body. So balanced diet को हम ऐसे भी define किया गया है कि a balanced diet is a diet that contains different kind of foods in certain quantities and proportion so that the requirement of calories, proteins, vitamins, minerals and alternative nutrients in adequate amount and a small provision is reserved for the additional nutrient to endure the short length of illness. और क्या होता है हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस होती रहती हैं जिसके लिए हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. ठीक है, कभी हम फास्टिंग करते हैं तो हम कुछ नहीं खाते, झटका होता है, तैयार होता है हमारे घर में तो हम लोग कुछ नहीं खाते, है ना, मान लो करती है नहीं खाती, पानी भी नहीं पीती, तो उस समय हमें जो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में रिजर्व्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन उसका यूटिलाइजेशन होता है वाया डिफरेंट बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल्स, तो उसको कहते हैं वो साइकिल्स भी होते हैं, बहुत सारे साइकिल होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस होते हैं, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस होते हैं, ऐसे बहुत सारे साइकिल्स होते हैं जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है. तो बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए, ऐसा अनुपात होना चाहिए न्यूट्रिएंट का जिसे वो हमारे बॉडी को तो मेंटेन करेगी, इसके अलावा कुछ स्टोर रहे ताकि हम कभी फास्ट करें तो वो न्यूट्रिएंट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें मिले और हम लोग हमारे बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकें, हो पाए. क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स, टॉपिक ही हमारा फूड ग्रुप है तो उसको हम लोग विभाजन करेंगे दो तरह से. बेसिकली हम लोग विभाजन करेंगे एक न्यूट्रिटिव वैल्यू के से ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू और दूसरा फूड मींस फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ द फूड. कि फूड का फंक्शनल प्रॉपर्टी क्या है, एनर्जी गिविंग है कि बॉडी बिल्डिंग है कि प्रोटेक्टिव है, इसके अनुसार पे भी हम लोग फूड का विभाजन करते हैं. तो दोनों को ही क्लासिफिकेशन एक एक करके हम लोग देखेंगे. तो पहले स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू. न्यूट्रिटिव वैल्यू के बेसिस पे हम लोग फूड को 11 ग्रुप में बांटते हैं. सीरियल्स एंड मिलेट्स, पल्सेस एंड लेग्यूम्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, एग्स, मीट, फिश एंड अदर एनिमल्स, फैट एंड ऑयल, शुगर एंड अदर कार्बोहाइड्रेट फूड्स, कॉन्डिमेंट्स एंड spices. अब एक एक करके सबको देखेंगे कि आखिर ये सब होता क्या है. So start with first, that is cereals and millets. तो cereal हम लोग का staple food, इंडिया का staple food क्या है, cereals ही है, rice है, wheat है, cob cereals and ragi. Cob cereals मतलब भैया खाते हैं ना, that one is the cobbed cereal, rice का जो बनता है उसको cob cereals कहते हैं. तो 70-80% of diet of the low income group in India is from cereals and millets. मतलब जो low income group के population हमारे country में हैं, उनका 70-80% का diet जो होता है, वो cereal based diet होता है. Cereals में 6-12% protein पाया जाता है. Source of B vitamin है. B vitamin जैसे thiamine, niacin, pantothenic acid, vitamin B6. और इसमें कुछ cereals में कुछ minerals भी पाए जाते हैं जैसे phosphorus है, iron है. रागी एक exceptional cereal है जो कि rich source of calcium है. Cereals deficient किस किस nutrient का होता है, vitamin A, vitamin D, vitamin B12 and C. इसमें भी एक exception है, क्या है, maize. मक्का जो खाते हैं उसमें क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है जो कि प्रो विटामिन ए इसको कहते हैं. प्रो विटामिन के चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रो विटामिन ए है क्या. ओके, नाउ सेकंड इज पल्सेस एंड लेग्यूम्स. पल्सेस एंड लेग्यूम्स क्या, पल्स कहते हैं ना दाल खाना चाहिए, दाल में प्रोटीन है. ठीक है, तो पल्सेस एंड लेग्यूम्स आर द रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन. इसमें क्या होता है, 19-24% ऑफ प्रोटीन पाया जाता है. सोर्स ऑफ बी विटामिन दैट इज थायमिन, नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड एंड विटामिन B6, मिनरल्स एंड मिनरल्स. डिफिशिएंट लेग्यूम्स जो है इसके कौन से विटामिन का डिफिशिएंट है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 एंड विटामिन सी. और क्या होता है, लेकिन कुछ दाल जो स्प्राउट्स करते हैं ना, अंकुरित आहार जिसको कहते हैं,
स्प्राउट्स में क्या होता है, जब हम स्प्राउटिंग करते हैं तो उसमें कुछ कुछ विटामिन का एनहांसमेंट हो जाता है, जैसे कि उसमें स्प्राउट करते हैं तो विटामिन सी जो होता है उसमें थोड़ा फेयर अमाउंट में उसमें बढ़ जाता है, तो स्प्राउट करने पर विटामिन सी भी हमारे बॉडी में कुछ मात्रा में मिल जाता है। नेक्स्ट है नट्स एंड ऑयल सीड्स। नट्स मतलब आलमंड्स है, कैशू नट है, वॉलनट है, पिस्ता है, ये सारे को नट्स कहते हैं। नट्स क्या होते हैं, रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड फैट होता है। 18-40% ऑफ प्रोटीन का सोर्स है आपका नट्स एंड ऑयल सीड्स। सोर्स ऑफ विटामिन बी, ई एंड मिनरल्स लाइक फॉस्फोरस एंड आयरन। तिल जानते हैं, तिल भी खाने के लिए हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि वो हमें क्या करता है, कैल्शियम प्रोवाइड करता है। और नट्स एंड ऑयल सीड डिफिशिएंट कौन कौन से विटामिन का है, विटामिन ए, बी, बी12 एंड सी। नेक्स्ट वेजिटेबल्स, हम लोग वेजिटेबल्स को बेसिकली दो तरह जानते हैं, एक तो साग सब्जी, दूसरा अदर वेजिटेबल्स या जो आलू वालू सब उसमें आ जाता है। लेकिन ब्रॉडली वेजिटेबल्स को हम लोग तीन पार्ट में विभाजित करते हैं, पहला है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दूसरा है अदर वेजिटेबल्स और तीसरा है रूट्स एंड ट्यूबर्स। एक एक करके देखते हैं भाई होता क्या है। पहला है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रिच सोर्स ऑफ कैरोटीन। कहते हैं ना खाना चाहिए, आंख की रोशनी अच्छी होती है, पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन ए पाया जाता है, प्रो फॉर्म ऑफ विटामिन ए। ठीक है, बेसिकली उसको क्या कहते हैं, कैरोटीन। सोर्स क्या है इसमें, मतलब इसमें और क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड एंड विटामिन सी। अब 100 ग्राम एडल्ट के लिए और 50 ग्राम चिल्ड्रन के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जरूरी होता है कि हमारे डाइट में हो। ठीक है, और ये सबसे चिपेस्ट सोर्स है और सोर्स है अमंग प्रोटेक्टिव फूड्स। इसको प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं, वो आपका जब अलग से मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, वो सबसे चीपेस्ट सोर्स है आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। दूसरा है अदर वेजिटेबल्स। अदर वेजिटेबल्स तो ग्रीन ही होते, ग्रीन वेजिटेबल्स ही होते हैं, लेकिन वो लीफी नहीं होते। वो रिच सोर्स ऑफ क्या होते हैं, विटामिन सी के, के फाइबर, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। और अदर वेजिटेबल्स में आपके मशरूम भी आते हैं जो कि रिच सोर्स होता है राइबोफ्लेविन, दैट इज विटामिन B2, नियासिन, विटामिन B3, कॉपर, पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5 एंड सेलेनियम। और चिपेस, ये भी एक चिपेस सोर्स है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। देन लास्ट दैट इज रूट एंड ट्यूबर। रूट एंड ट्यूबर में आप जानते हैं आलू आता है, स्वीट पोटैटो कहते हैं, टैपियोका होता है, याम होता है, सूरन जिसको कहते हैं, कैरेट होता है, ये सारे रूट्स एंड ट्यूबर होते हैं। ये गुड सोर्स ऑफ क्या है, कार्बोहाइड्रेट की। बेसिकली क्या है कार्बोहाइड्रेट का रिसोर्स, आलू, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटोस। ओके, गुड सोर्स, पुअर सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो रूट एंड ट्यूबर होते हैं उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, एक्सेप्शन इज पोटैटो, ऑलमोस्ट आई थिंक 3 point something ग्राम ऑफ प्रोटीन इन पर 100 ग्राम और समथिंग पाया जाता है आपके पोटैटो। कैरेट एंड येलो स्वीट पोटैटो आर द गुड सोर्स ऑफ कैरोटीन। दे शुड नॉट यूज टू सब्स्टिट्यूट सीरियल सिंस दे लैक प्रोटीन। इसको एज अ सब्स्टिट्यूट हम लोग सीरियल्स के नहीं खा सकते, क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट इज अदर वेजिटेबल्स हो गया। नेक्स्ट इज फूड। फूड्स क्या है, फूड्स में बहुत सारे, ये भी सारे प्रोटेक्टिव फूड्स में ही आते हैं। फूड्स आर द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, also contain carotene. Carotene पाया जाता है जनरली मैंगो में, पपाया में, आंवला, गुआवा में विटामिन सी पाया जाता है। कहते हैं विटामिन सी क्या होता है, सिट्रस फ्रूट खाना चाहिए, टोमेटो है, सिट्रस फ्रूट है, कैश्यू फ्रूट है, पाइन एप्पल है, ये सारे में क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाए जाते हैं। एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स है, ये सब में अदर पुअर सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, मतलब बहुत सारे विटामिन मिलते हैं हमें, कहाँ से मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं। नेक्स्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क क्या है,
विद सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. कहते हैं ना दूध पीना चाहिए, कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, सबको पीना चाहिए. प्रोटीन का रिच सोर्स है. 1 लीटर काउ मिल्क में 35 ग्राम प्रोटीन, 35 ग्राम वसा, 1 ग्राम कैल्शियम, 1.5 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन, 1500 IU ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन बी एंड अदर मिनरल्स आर प्रेजेंट. इसमें क्या होता है कि ये सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं. 35 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, 35 ग्राम फैट भी पाया जाता है. लेकिन ये भी ऐसा भी है कि बफेलो मिल्क में ज्यादा फैट पाया जाता है इन कंपैरिजन टू काउ मिल्क. लेकिन बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं आपके मिल्क में. लेकिन मिल्क इज आल्सो अ डेफिशिएंट ऑफ आयरन, विटामिन सी एंड विटामिन डी. तो कोई अगर मिल्क की डाइट पे ही रहता है तो वो डेफिशिएंट हो सकता है आयरन के, विटामिन सी के एंड विटामिन डी. ओके, तो नेक्स्ट इज एग्स. एक अंडा सबको पसंद है, हमको भी बहुत पसंद है. तो हेन, एक में क्या होता है, हेन एग में 13% ऑफ प्रोटीन एंड 13% ऑफ फैट. जितना प्रोटीन है उतना फैट पाया जाता है एग में. रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन B12, सोर्स ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी का भी कोई फॉर्म एग में पाया जाता है. एग योक में 15% प्रोटीन, 27% फैट एंड विटामिन ए पाया जाता है. यूज एज अ सप्लीमेंट टू डाइट ऑफ इन्फेंट्स. बच्चों को भी हम लोग सप्लीमेंट्री डाइट में स्क्रैम्बल्ड एग या पोच या ऑमलेट बच्चों को खिलाते हैं. 7 और 8 मंथ के बच्चे हो जाते हैं. फैट क्या है, 4.5 ग्राम है. योक में देखा जाए एक वाइट एंड एग योक को फिगर में अलग अलग कर दिया है. एक योक में क्या है, फैट है. फैट कितना है, 4.5 ग्राम. सैचुरेटेड फैट कितना है, 1.6 ग्राम. कोलेस्ट्रॉल कितना है, 184 mg. कार्बोहाइड्रेट कितना है, 0.5 ग्राम. प्रोटीन्स कितना है, 2.5 ग्राम. अब एक वाइट, वाइट यहाँ पर एक वाइट है. एक वाइट में क्या होता है, आपका फैट, सैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन होता है. डेट वन इज 4 ग्राम. Then, meat, fish and other animal foods. अब meat, meat क्या है, rich source of protein है और vitamin B. ठीक है, fish क्या है, rich source of protein, vitamin B, vitamin A and D. Large fish में phosphorus होता है लेकिन calcium नहीं होता, और small fish में calcium होता है. Liver क्या है, rich source of protein है, vitamin A, B and D. जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, बेसिकली हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जिसको कहते हैं. नेक्स्ट है आपका फैट एंड ऑयल, सुगर एंड अदर कार्बोहाइड्रेट फूड्स, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस. फैट एंड ऑयल ये भी हमारे बॉडी में जरूरत है. 4 सर्विंग पर डे जरूरी होता है. 4 सर्विंग मतलब 20 ग्राम. 1 सर्विंग इज ऑफ 5 ग्राम. हमारी बॉडी की नीड है. तो फैट एंड ऑयल हमारे बॉडी की जरूरत है. एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं. फैट एंड ऑयल्स क्या होता है, रिसोर्सेस ऑफ विटामिन ए और विटामिन डी होता है. Sugar and other condiments. Sugar भी हमारे body के लिए जरूरत है, लेकिन it should be in a limit. It is also a 4 serving. That is 20 gram. 1 serving is of 5 gram. 1 spoon. अब sugar में क्या क्या होता है, cane sugar होता है, जैगरी होता है, honey होता है, syrup होता है. Primary source of energy है. जब एकदम से हम लोग को थकान लग जाती है तो क्या रहते हैं, ग्लूकॉन-डी पीते हैं. क्यों, instant energy देता है. मतलब सिंपल शुगर जो होता है वो तुरंत एनर्जी देता है, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ भी हम खाते हैं उसका डाइजेशन जो होता है वो ग्लूकोज के ही फॉर्म में होता है. ठीक है, तो हमें अगर डायरेक्ट इंस्टेंट ग्लूकोज हमारे बॉडी में खाते हैं तो जल्दी से मेटाबोलाइज हो जाएगा हमारे बॉडी में. जल्दी से हो जाएगा तो हमें तुरंत एनर्जी देगा, इंस्टेंट एनर्जी जिसको कहते हैं. तो वो मुझे शुगर से मिलता है, मुझे मतलब हम लोग को शुगर से मिलता है. Then condiments and spices.
कॉन्डिनेंट्स और स्पाइसेस जो होता है एसेंशियल पार्ट हमारे न्यूट्रिशन का नहीं होता, लेकिन स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक, क्यूमिन एंड क्लोव्स आर रिसोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट. हम लोग स्पाइसेस क्यों खाते हैं? बिकॉज दे आर द रिच सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स जो होता है वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स को कहते हैं स्कैवेंजर्स ऑफ फ्री रेडिकल. हमारे बॉडी में बहुत सारा जब रिएक्शंस होते हैं तो फ्री रेडिकल्स बनता है, ठीक है, फ्री रेडिकल्स लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड देयर सो मोर. तो वो बनता तो उसको हम लोग को बॉडी से रिमूव करना होता है. वो रिमूव कैसे होता है? एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से. तो जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स को इसलिए स्कैवेंजर्स ऑफ फ्री रेडिकल कहते हैं. तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स रिच सोर्सेस होते हैं, मतलब एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है स्पाइसेस में. कौन कौन से स्पाइसेस में पाया जाता है? आपके टर्मरिक में, जिंजर में, गार्लिक में, क्यूमीन में एंड क्लोव्स में. नाउ दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में है. उन्होंने अपना डायट्री गाइडलाइंस में कहा कि फूड को बेसिकली हम लोग चार पार्ट में ही विभाजन करेंगे. पहला है सीरियल, मिलेट्स एंड पल्सेस, दूसरा है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तीसरा है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, मीट एंड फिश, चौथा ऑयल एंड फैट्स एंड नट्स एंड ऑयल्स फूड ग्रुप्स. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फूड इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. उनका फंक्शन कैसा है उसके हिसाब से फूड को डिवाइड करते हैं. पहला एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड एंड तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड्स. एनर्जी गिविंग फूड्स किसको कहते हैं? रिसोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, जिससे कि हम लोग को एनर्जी मिले. एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी देता है और 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी देता है. सो रिसोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट होना चाहिए एनर्जी गिविंग फूड के लिए, एक ये क्रिटेरिया है. दूसरा है सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स, ड्राई फ्रूट्स, शुगर एंड फैट्स. मतलब ये सारी चीजें में आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट पाया जाता है. किसमें किसमें पाया जाता है? सीरियल्स में पाया जाता है, रूट्स एंड ट्यूबर में पाया जाता है, ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है, शुगर और फैट. तो बेसिकली यही हुआ कि एनर्जी गिविंग फूड्स जिससे हमें तुरंत एनर्जी मिले. बॉडी बिल्डिंग फूड मतलब हमारे बॉडी में सेल का निर्माण. तो सेल का निर्माण किसके लिए हमें कैसे चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए. प्रोटीन से ही हमारे सेल का निर्माण होता है. 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी देता है. तो रिसोर्सेज ऑफ प्रोटीन आपका क्या है? मिल्क है, एग है, मीट है, फिश है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, नट्स है. ये सब अगर हम अपने डाइट में लेते हैं तो हमारे बॉडी का निर्माण होता है. एंड द लास्ट वन इज द प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, दैट इज प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. और ये किसमें पाया जाता है? मिल्क में, एग में, फिश में, लीवर में. वो सब क्या है? हाई बायोलॉजिकल फूड्स. एंड सेकेंड इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दीज आर मीडियम बायोलॉजिकल फूड्स. वो कैसा मतलब कैसा हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है, वो प्रोटीन जो कैसा डिपेंड करता है, वो आपको डिपेंड करता है एसेंशियल प्रोटीन, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स पर डिपेंड करता है कि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू है कि लो बायोलॉजिकल वैल्यू है किसी प्रोटीन का, वो अमीनो एसिड्स पर डिपेंड करते हैं. तो कैसा है वो प्रोटीन्स के चैप्टर में आप देखेंगे. अभी आप इतना समझ लीजिए कि मिल्क, एग, फिश और लीवर जो होता है वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड कहते हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को मीडियम बायोलॉजिकल वैल्यू फूड्स कहते हैं. दीज आर नॉट प्रोटीन्स बट दे आर कंसिडर्ड एज मीडियम बायोलॉजिकल वैल्यू. सिर्फ प्रोटीन के केस में हाई बायोलॉजिकल वैल्यू फूड्स के लिए अमीनो एसिड पर होता है, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे उसको प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं. That's all for this lecture. That is food groups. Thank you. Hopefully you are enjoying in a home. Please stay safe. Stay at home only. And proper wash your hand with soap or sanitizer. And please maintain the social distancing so that you can live a healthy life. Thank you. Eat healthy. Be active.